हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपने Redmi Note 9 Pro में यहाँ पर जो है साइफर OS को इंस्टॉल कर लिया है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का OS है, तो इस वीडियो में मैं जो है इस रोम का रिव्यू करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जो है बताऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करना है एंड ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात होगी कि परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। एंड यहाँ पर ये जो रोम है ये Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro एंड यहाँ पर जो है Redmi Note 10 Lite, इन पाँचों डिवाइसों में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर देख सकते हो प्लेटफॉर्म यहाँ पे एटोल लिखा हुआ है, एटोल मतलब स्नैपड्रैगन 720G, ठीक है। तो इन पांचों डिवाइस आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर वर्जन देख सकते हो आप, यहाँ पर V3.2 आपको देखने को मिल जाता है। स्टेटस यहाँ पे अनऑफिशियल है, मेंटेनर का नाम आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। एंड यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन आपको देख सकते हो, एंड्रॉयड 12L आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम 12 पे करते हैं तो काफ़ी अच्छा हमको जो है एनिमेशन देखने को मिलता है 12L वाला, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिक्योरिटी पैच यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर वर्जन देख सकते हो, रोम का सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो कर्नल है वो DFC+ कर्नल आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म मैंने आपको अभी बताया एंड रैम यूसेज आप देख सकते हो यहाँ पर 1.9 GB आपको फ्री मिल जाएगा 4 GB में से, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। एंड बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये रोम जो है आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अभी मैं सेटिंग में चल के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि जो नीचे यहाँ पर कुछ आपको जो है किस वाईफाई से कनेक्ट है वो नाम देगा एंड यहाँ पर कितना यूज़ हुआ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगी। तो ये एक चीज़ यहाँ पर नया आपको देखने को मिल जाता है। एंड पेंसिल के आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डार्क थीम एंड हॉट स्पॉट ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसको आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर पाओगे। मोबाइल डेटा एंड ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे CABC मोड भी देखने को मिल जाता है, नाइट लाइट भी देखने को मिल जाता है आप लोग को। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एंड्रॉयड 12 में ये मोबाइल डाटा वाला ऑप्शन जो है ना, ये अभी तक देखने को नहीं मिला था, क्योंकि यहीं से जो है मोबाइल भी ऑन होता है, यहीं से वाईफाई भी। तो यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल डेटा और दोनों यहाँ पे देता था पहले, लेकिन ये अलग से यहाँ पे एक टैग टोगल जो है ऐड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड बात करूँ वाईफाई, हॉटस्पॉट एंड ब्लूटूथ की, तो यहाँ पर परफेक्ट काम कर रहा है, एट द सेम टाइम तीनों काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेंगे। डार्क थीम की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से ये डार्क हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पर, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर डार्क हो गया है। एंड यहाँ पर ये देख सकते हो कि इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर टाइल्स बन के आते हैं सारी सेटिंग्स के, एंड कस्टमाइज़ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने किया। देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टिविटी का ऑप्शन एक अलग टाइल है, डिवाइस का एक अलग टाइल है, सिक्योरिटी का एक अलग टाइल है, कस्टमाइजेशन के लिए अलग से इन्होंने दिया है, मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में। तो डार्क थीम मैं बंद करता हूँ एंड उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आता है, ये टाइल जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की मैंने बात की, सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट काम कर रही हैं, चाहे ब्लूटूथ हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे हॉटस्पॉट हो। डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 84% है यहाँ पे, मोर देन 2 डेज लेफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। डिस्प्ले में अगर आप जाते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, फॉन्ट साइज़, डिस्प्ले साइज़ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जो है यूज़ कर सकते हो। टैप टू वेक का भी ऑप्शन है, वोल्टी आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पे LCD फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप जो है यूज़ कर सकते हो। हेडलाइन बॉडी फॉन्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आइकन पैक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको आप जो है कस्टमाइज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पर साउंड के ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट काम कर रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक हो एंड कोई भी चीज़ें हो, सारी अच्छे से काम कर रही हैं। क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है आप लोग को। सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फिंगरप्रिंट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर इस तरीके से मैंने लॉक किया एंड यहाँ पर मैंने लगाया, ये ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट परफेक्ट यहाँ पे काम करता है। ट्रैफिक इंडिकेटर की बात करूँ देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, वॉलपेपर के ऑप्शन पे जाओगे तो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, नोटिफिकेशन में ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसको आप चेकआउट कर पाओगे।
एंड यहाँ पर एसेसिबिलिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो देख सकते हो एक्स्ट्रा थीम का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है, डार्क थीम वाला ऑप्शन है एंड बहुत सारे हैं देख सकते हो। सिस्टम कंट्रोल के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर नेविगेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइक अगर आपको बटन यूज़ करना है टू बटन तो ये देख सकते हो, थ्री बटन का भी ऑप्शन है, जेस्चर का भी ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से जो है इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे। वाइब्रेशन हैप्टिक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो हैप्टिक फीडबैक है उसको अगर आप हाई करना चाहते हो तो हाई कर सकते हो, और ही ज़्यादा आपको अच्छा यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। हैप्टिक ऑडियो का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी हुई हैं। सिस्टम में आप जाते हो तो देख सकते हो ये सारे ऑप्शन देखते हैं। सिस्टम यूआई ट्यूनर का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसको आप जो है यहाँ पर कस्टमाइज़ कर पाओगे। स्टेटस बार वाले ऑप्शन सारे आपको देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा कि यहाँ पर जो वाइडवाइन L1 है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, तो देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल आपको L1 देखने को मिलता है, तो कोई इशू नहीं आने वाला आप लोग को। एंड Antutu बेंचमार्क मैं आप लोग को एक बार दिखा दूँ किस तरीके का आया हुआ है, तो यहाँ पर जो MIUI उससे तो बेटर ही आया हुआ है, लगभग यहाँ पर देख सकते हो अप्रॉक्स 3 लाख के करीब यहाँ पर आ गया है, थोड़ा सा ही कम है यहाँ पर, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का Antutu बेंचमार्क आया है, तो MIUI से काफ़ी बेहतर यहाँ पर आया हुआ है यहाँ पर। एंड Geekbench की अगर बात करूँ तो इसका भी स्कोर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो हिस्ट्री में जाते हैं देख सकते हो ये इस तरीके का स्कोर यहाँ पर आया हुआ है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर गाइस CPU थ्रॉटलिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे टेस्ट करके आप लोग को दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलना है, बिल्कुल ग्रीन वाला देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो अगर आप जैसे रोम पहली बार इंस्टॉल की हो और तुरंत ही आप जो है इसको टेस्ट करने लगोगे तो इतना अच्छा ग्राफ नहीं देखने को मिलेगा, कम से कम 1 से 2 दिन आप रोम को यूज़ करें, सारी चीज़ें इसको जो है सेटअप होने में लगेंगी, उसके बाद जब पूरी तरीके से यूज़ कर लोगे, जब स्मूथ UI को काफ़ी हो जाएगी, तो उसके बाद आप जो है इसको जब टेस्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो है एकदम बिल्कुल ग्रीन ग्राफ देखने को मिलता है एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये रोम चलेगा। एंड मैं आपको बता दूं कि स्मूथ काफ़ी ज़्यादा है रोम, तो स्मूथनेस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली है। एंड इस रोम में जो है आपको प्री इंस्टॉल गूगल के ऐप्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो आप जो है यहाँ पर NIC ऐप्स जो है इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर जो है गूगल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं मिलता तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाकी रोम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल कैमरा आपको देख सकते हो यहाँ पे कैमरा गो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वॉक कर रही हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे चलता है एंड यहाँ पे वोल्टी सारी चीज़ें अच्छे से परफेक्ट जो है यहाँ पर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है अच्छा रोम है, आप इसको एक बार कंसीडर ज़रूर से करना अगर आपको यूज़ करना है इस रोम को। स्मूथ है एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज है, गेम भी आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्ले कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो अब बात करते हैं इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने आपको जो है अपने फ़ोन को जो है रिकवरी मोड में बूट हो जाना है, तो आपको जो है पावर बटन वॉल्यूम बटन एक साथ प्रेस करना है एंड उसके बाद आप जो है रिकवरी मोड में बूट हो जाओगे। एंड उसके बाद आपको जो है अपना OTG ले लेना है, या फिर आप जो है अपना यहाँ पर जो है SD कार्ड ले सकते हो, जिसमें भी आपको रोम रखना है वहाँ पे रख सकते हो रोम की ज़िप फाइल। इस तरीके से आप जो है बूट हो जाओगे, उसके बाद आपको अपना OTG लगाना है, अगर आपको OTG से फ्लैश करना है तो, अगर आप माइक्रो SD कार्ड से फ्लैश करना चाहते हो तो उससे भी फ्लैश कर सकते हो। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद गाइज आप लोग को जो है रोम फाइल के जिप फाइल को सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करके स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश कर देना है। जब रोम कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको जो है अगर आपको GApps इंस्टॉल करना है तो NIC GApps आप जो है पहले उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद फॉर्मेट डेटा करना। नहीं तो अगर आपको ऐसे ही यूज़ करना है, आपको खाली APK इंस्टॉल करना है आप प्ले स्टोर का, तो आप जो है डायरेक्ट रोम से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो वाइप पे आना है, फॉर्मेट डेटा यहाँ पे यस लिख देना है रोम को कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद, उसके बाद टिक कर देना इस तरीके से, उसके बाद रिबूट टू सिस्टम कर देना है, उसके बाद जो आपका जो रोम है वो बूट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसका जो बूट एनिमेशन है वो भी यहाँ पर गूगल वाला एनिमेशन है, देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके इसका बूट एनिमेशन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय गाइज़।